वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज हमारे सामने होंडा WRV, ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है होंडा की तरफ से। इस गाड़ी में आपको टोटल दो वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, SV एंड VX। अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हैं ये है इसका VX टॉप वेरिएंट डीजल इंजन में। ये दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है, पेट्रोल एंड डीजल। वहीं अगर आप डीजल इंजन ऑप्ट करते हैं इसका टॉप वेरिएंट VX, तो उसकी एक्सरूम प्राइस आपको पड़ेगी 12,06,500 रुपीज़। एंड अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं तो उसकी एक्सरूम प्राइस रहेगी 10,07,107 रुपीज़। बाकी कलर चॉइसेस की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी कलर्स ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि वाइट पर्ल, रेड मेटालिक, सिल्वर मेटालिक, स्टील मेटालिक एंड ब्राउन मेटालिक। बाकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रॉड क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी होंडा के लोगों के साथ। एंड इसी के नीचे आपको ये ब्लैक मैट फिनिश में ग्रिल दी गई है, लाइसेंस प्लेट के ऑप्शन। एंड जैसे आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRL। एंड ये जो आप फॉग लैम्प्स देख रहे हैं ये भी आपको LED ही मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नीचे आपको सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको इसमें। साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 16 inch के अलॉय व्हील्स। इनकी साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ रहेगा 195/60R16। इसके ऊपर व्हील क्लैडिंग दी गई है। एंड यहाँ आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs टर्न इंडिकेटर के साथ। इसके नीचे कोई भी पटल लैम्प नहीं मिलती आपको। क्रोम डोर हैंडल्स रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। एंड ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का साइड लुक। 3999 mm लेंथ एंड 1601 mm हाइट है गाड़ी की। रियर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, सो ऐसा कुछ रहने वाला है गाड़ी का रियर लुक। चेक कर सकते हैं आप। टॉप में रूफ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शॉक फिन एंटीना, सिल्वर रूफ रेल्स एंड आगे एक सनरूफ। वहीं इसके अलावा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, होंडा का लोगो, WRV की बैजिंग। एंड इसी के साथ आपको मिलते हैं LED टेल लैम्प्स, VX ID टेक की बैजिंग मतलब डीजल इंजन। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिलेगी, रियर पार्किंग कैमरा लाइसेंस प्लेट की जगह। एंड यहाँ आपको मिलते हैं रियर पार्किंग सेंसर्स, टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे इसमें आपको, रिफ्लेक्टर्स एंड ये बड़ी सी सिल्वर स्किड प्लेट एंड ये है एग्जॉस्ट पाइप। बाकी गाड़ी की कीज़ की बात करें तो ऐसी कुछ नहीं है गाड़ी की कीज़, लॉक एंड लॉक के बटन के साथ। चलिए एक बार गाड़ी का टेल गेट ओपन कर लेते हैं। गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो 363 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। एंड अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिटैचेबल पार्सल ट्रे दी गई है। रियर सीट्स की बात करें तो बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलेंगी, लगेज लैम्प। स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है टूल किट एंड स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील आपको मिलेगा स्टील व्हील, लेकिन इधर साइज की बात करें तो इसका साइज आपको सेम मिलेगा 195/60R16। बाकी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाइस आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। बाकी चलिए अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स की तरफ। सो गाइस ये है गाड़ी का रियर डोर। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल मिल जाएंगे एंड ये यहाँ पे बॉन्डिंग पे भी सिल्वर लाइनिंग दी गई है। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा, और विंडो के कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर एंड यहाँ आपको दिया गया स्पीकर। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सो यह है गाड़ी का इंटीरियर एंड यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। स्पेस वाइज इस गाड़ी में आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली। अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा एंड रियर सीट्स की बात करें तो आपको हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं यहाँ पे विद आर्मरेस्ट। कैबिन लाइट हेलोजन में दी गई है एंड यहाँ पीछे आपको कोई भी रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं इसमें। सेंटर हम्प की बात करें तो इतना कुछ रहेगा सेंटर हम्प, बाकी ऐसा कुछ लुक रहेगा डैशबोर्ड का रियर से। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर लगता है गाड़ी का। चलिए चल लेते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट्स पे। यहाँ पे भी आपको ड्राइवर डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। सो ये गाइस ड्राइवर डोर, यहाँ पे आपको सेम सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी, फैब्रिक फिनिश
यानी आपको मिल जाते हैं ऑल पावर विंडो कंट्रोल्स, एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं बॉटल होल्डर, स्पीकर, एंड यहाँ आपको ड्राइवर सीट मिलती है हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन के साथ। चलिए एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, कर लेते हैं इग्निशन ऑन। सो गाइस, ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद एलसीडी डिस्प्ले। इसमें आपको ब्लू ब्लैक लाइट मिलती है एंड एम्बिएंट रिंग्स। इसके अलावा आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, जैसे कि फ्यूल कंजप्शन, लो फ्यूल वार्निंग, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, क्रूजिंग रेंज डिस्प्ले, ड्यूल ट्रिप मीटर एंड और भी कई सारी वार्निंग लाइट्स। इसके यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं अगर आप स्टेयरिंग व्हील को देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, एंड इसमें आपको दोनों फंक्शन मिलते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, चेक कर सकते हैं आप। वहीं अगर आप इसके अलावा अगर आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सिल्वर फिनिश एसी वेंट्स के ऊपर, कप होल्डर, एंड इसके नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर, एंड इसके नीचे यहाँ दे रखा है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर, एंड इसी के नीचे बोनेट ओपन करने के लिए। स्टीयरिंग पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे वॉल्यूम के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे ब्लूटूथ एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे की स्पोर्टी लुक देने के लिए ग्रिल दे रखी है साइड में सिल्वर फिनिश, एंड यहाँ पे सेंटर पे आपको देखने को मिल जाते हैं एसी वेंट्स सिल्वर फिनिश की सराउंडिंग्स के साथ, हजार स्विच, एंड ये पूरा पार्ट आपको ब्लैक पैनल फिनिश में मिलेगा। एंड यहाँ सेंटर में आपको मिलता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। टोटल इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं विद 2 ट्विटर्स। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, USB, ऑक्स एंड रेडियो, और भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। USB वीडियो प्लेबैक, जनरल सेटिंग्स, कनेक्शन, कैमरा, साउंड सेटिंग्स। रिवर्स कैमरा का व्यू आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। तो यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं, चेक कर सकते हैं आप। इसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है फैदर टच क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 2, 1 एम्पायर, 1.5 एम्पायर का USB सॉकेट मिलेगा, 12 वॉट का पावर आउटलेट, फोन स्पेस, ट्विन कप होल्डर, यानी आपको मिलता है 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट, एंड यह गाड़ी का डैशबोर्ड विद सिल्वर इंसर्ट्स, एंड ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का ग्लोव बॉक्स। काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है इसमें आपको। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल IRVM, कैबिन लाइट्स के कंट्रोल्स एंड सनरूफ के कंट्रोल्स, ड्राइवर सनवाइजर, इसमें आपको वेंटी मिरर भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वेंटी मिरर देखने को मिल जाएगा। सो ये था ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर। तो चलिए अब कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में बात। सो ऐसी है गाड़ी का इंजन लेआउट। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर IDTEC 1.5 लीटर डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 98 BHP की विद 200 Nm मैक्सिमम टॉर्क। वहीं अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर 1.2 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 89 BHP की विद 110 Nm मैक्सिमम टॉर्क। 40 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है। डीजल में आपको 23.7 KMPL की माइलेज क्लेम की गई है, वहीं पेट्रोल में 16.5। सो गाइस, ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होंडा WRV VX वेरिएंट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।